हेलो फ्रेंड्स एक और सवाल काफ़ी कॉमनली पूछा जाता है कि डिलीवरी के बाद कितना घी खाना चाहिए हमने एक हमारा पुराना वीडियो बनाया है जिसमें हमने प्रेगनेंसी में कितना घी खाने के बारे में बात की है लेकिन डिलीवरी के बाद कितना घी खाना चाहिए वो भी एक अलग से कॉम्पटिशन क्रिएट हो जाता है सारी फ़ीमेल्स में एक रहता है कि कितना घी तुम्हारी मदर इन लॉ ने खिलाया और कितना घी मेरी मम्मी ने भिजवाया तो एक एक कॉम्पटिशन होता है बट किसी का दस किलो किसी का पंद्रह किलो और आई डोंट नो सम हाउ इट इज़ अ क्वाइट अ बिग डिस्कशन टॉपिक बट एक्चुअली में कितना घी एक्चुअली में खाना चाहिए या yeah, एक्चुअली में ऐसा कोई फिक्स अमाउंट है कि हमें डिलीवरी के बाद इतना घी खाना चाहिए उसका कोई यूटिलाइजेशन है तो आज इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के बाद यानी कि डिलीवरी के बाद एक्जैक्टली कितना घी खाने की रिक्वायरमेंट होती है मैं डॉक्टर सुशीला सैनिक एनेकोलॉजिस्ट एंड स्टेशन आज आपको बताने जा रही हूँ डिलीवरी के बाद कितने घी की रिक्वायरमेंट होती है जब भी डिलीवरी होती है किसी भी महिला की तो सिजेरियन हो सकता है या नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि डिलीवरी अगर नॉर्मल हुई है तो क्या ज़्यादा घी या कम घी की रिक्वायरमेंट होती है और यदि सिजेरियन हुआ तो क्या हम घी बिल्कुल नहीं खा सकते क्योंकि ऑपरेशन में हो सकता है कि ज़्यादा घी खाने से नुकसान होता हो तो ये दोनों बातें एक तरीके से मिथ है क्योंकि बेसिकली एज सच घी खाने की रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ती है चाहे से डिलीवरी सिजेरियन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो घी खाने का मतलब है कि आप एक्स्ट्रा फैट अपनी बॉडी में ले रहे हैं जो कि आपके फाइनली एज अ फैट आपको डिपॉजिट होने वाली है और आपको वेट गेन होने वाला है जो कि फिर आप किसी डाइटिशियन से कंसल्ट करेंगे या किसी डॉक्टर के पास जाएंगे कि आपको तीन महीने या छः महीने बाद जब आप बॉडी रीशेपिंग की बात करती हैं जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा तो डिलीवरी के बाद वज़न कम ही नहीं हुआ है मेरा वज़न तो बढ़ गया है इनफैक्ट और मुझे इस वज़न को कम करना है मैं अपने वापस पुराने वाले शेप में आना चाहती हूँ वो अपने आप को बिल्कुल फिट देखना चाहते यदि आप अपने आप को बिल्कुल फिट देखना चाहते हैं तो घी खाने पर जरूर कंट्रोल कीजिए क्योंकि डिलीवरी के बाद जितना भी आप एक्स्ट्रा घी खाएंगी यानी कि एक्स्ट्रा कैलोरीज आप जा ले रही हैं और एक्स्ट्रा कैलोरीज फाइनली आपके वो डिपॉजिट होने वाली है बॉडी के अंदर अब ये कंसेप्ट आता है कि आखिर घी खाने के लिए कहा क्यों जाता है पहले की लेडीज काम बहुत ज्यादा करती थी उनका एनर्जी कंजप्शन बहुत ज्यादा था तो घी के अंदर थोड़ी मात्रा के अंदर काफी ज्यादा कैलरीज चली जाती हैं इसलिए उनको घी खिलाया जाता था ताकि वो जितना काम कर रही हैं तो उनकी बॉडी में वीकनेस ना आए लेकिन आज की श, आ, सिनेरियो में जहाँ लेडीज़ बहुत कम काम करती है डिलीवरी के बाद इनफैक्ट दे वो बिल्कुल आराम ही करती हैं तो एनर्जी कंजप्शन बिल्कुल नहीं होता है तो जितना भी वो खा रही हूँ एज अ फैट डिपॉजिट हो जाता है और वेट गेन का कारण बनता है जब भी आप दूध पिलाती हैं बच्चे को तो डेफिनेटली आपको जो नॉर्मल कैलोरीज़ हैं उसके ऊपर 600 कैलोरीज ऐड करनी होती है जो कि अगर आपका वजन ज्यादा है तो 300 से 600 के बीच में एडजस्ट किया जा सकता है तो मैक्सिमम 600 कैलोरीज आपको ऐड करनी होती है ऐसा नहीं है कि अगर आपको रिक्वायरमेंट है 1800 या 2000 कैलोरीज़ की के और आप उतनी की उतनी कैलोरीज और ऐड कर रही हैं यानी कि आप जितनी एक्स्ट्रा कैलोरीज ऐड करेंगे उतना ही आपको वेट गेन होने वाला है तो इसलिए आप अपने कैलरीज को हमेशा क्वान्टिफाई करें कि आप कितना खाना ले रहे हैं और कितनी कैलरीज आपकी डाइट में जा रही हैं और जो कैलोरीज आप ले रही हैं अगर यदि वो डायरेक्टली सीधी सीधी फैट से आ रही है यानी कि घी से आ रही है तो आपको वज़न बढ़ाने का ही काम करेगी और जो भी घी आप खाते हैं यानी कि जो देसी घी खाया जाता है या बटर खाया जाता है उन सब के अंदर सेचूरेटिड फ़ैटी एसिड होता है जो कि हार्ट के लिए हेल्दी नहीं होता है सनफ्लावर ऑयल या तेल के अंदर जो भी फैटी एसिड होते हैं वो अनसेचूरेटेड फ़ैटी एसिड होते हैं जो कि हेल्दी हार्ट हेल्दी टू हार्ट होते हैं यानी कि हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं तो इसलिए तेल की मात्रा को भी प्रेफरेंस दी जा सकती है घी के ऊपर तो आप बैलेंस कर कर लीजिए आप रोटी में घी खा सकती हैं लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल रोटी घी के अंदर ही डुबो के खा रही हैं इसके अलावा कई बार अजवाइन का इनका हलवा बनाया जाता है कुछ बादाम का हलवा दिया जाता है कुछ ड्राई फ्रूट और घी के लड्डू बना के दिए जाते हैं तो ये सब खा सकती हैं आप डेफ़िनेटली इसमें ऑपरेशन नहीं होने या होने से कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा बट इनका मात्रा लिमिटेड होना चाहिए यानी हलवा बनाने के लिए लिमिटेड घी चाहिए होता है उतना आप डाल लीजिए लेकिन एक्स्ट्रा ऊपर से फ्लोट करता हुआ अगर आप लेती हैं तो वो एक्स्ट्रा है उसको आप अब अवॉइड कीजिए जो नॉर्मल डाइट के लिए आपको जैसे रोटी में घी चाहिए वो आप लीजिए हलवे में जितना चाहिए वो आप ले लीजिए लेकिन आप एक्स्ट्रा फ्लोट किया हुआ एक्स्ट्रा घी बिल्कुल कंज्यूम ना करें और अगर आपको कैलोरीज बढ़ानी है यानी कि 600 कैलोरीज ऐड करनी है तो आप दही ले सकती हैं दूध ले सकती हैं ड्राई फ्रूट्स आप ले सकती हैं इसके अलावा सब्जियां खूब सारी खाइए क्योंकि सब्जियों में मिनरल्स और वाइटामस बहुत ज़्यादा होते हैं मसाला खाने के लिए मना किया जाता है क्योंकि कई बार वो जो अपन लोग जो खाते हैं वो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बच्चे को भी ट्रांसफ़र होता है डेफ़िनेटली तो अगर आप मिर्च या मिर्ची जैसी कोई चीज़ें खाते हैं तो कई बार बच्चे को डायरिया की समस्या हो जाती है क्योंकि उसमें जो कैप्सिन नाम का आ, केमिकल होता है वो मिल्क से बच्चे को ट्रांसफर हो जाता है तो इसलिए पेपर की मात्रा कम रखिए यानी मिर्ची की मात्रा कम रख सकते हैं बाकी मसाले आप आराम से खा सकते हैं इसके अलावा आप होल फ्रूट खा सकती हैं जैसे कि जूस के अलावा साबुत फल खाइए ताकि आपको फाइबर की मात्रा भी उसमें मिलती रहे और आप रोज़ बदल कर खा लीजिए कि आज एप्पल खाया तो कल अनार परसों केला खा सकती है इसलिए आप थोड़ा सा बदल सकती हैं इसके अलावा आप पनीर ले सकती हैं और हाई प्रोटीन डाइट ले सकती हैं जिससे कि आपको एनर्जी भी मिलेगी और आपको वेट गेन भी कम होगा इसके अलावा लिक्विड डाइट आप काफ़ी सारी लीजिए जो कि मिल्क सिक्रेशन में आपको फायदा करेगा क्योंकि अगर आप सॉलिड डाइट लेते हैं तो मिल्क पानी के कमी होने के कारण मिल्क का सिक्रेशन कम हो जाता है तो आप पानी वाली चीज़ें जैसे कि नारियल पानी नींबू पानी ले सकती हैं इसके अलावा नॉर्मल पानी भी आप काफ़ी सारा तीन से चार लीटर तक आप पानी पीजिए इसके अलावा दूध ले सकती हैं छाछ ले सकती हैं दही ले सकती हैं वेजिटेबल स्टॉक्स आप बना के ले सकती हैं तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हेल्दी हैं खाई जा सकती है कैलरीज भी बढ़ाएंगी मिनरल और वाइटामस भी आपको देंगी न्यूट्रिशन भी मिलेगा लेकिन जब अगर आप प्लेन घी खाने की तरफ ध्यान रखती हैं कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ 10 किलो या 15 किलो घी खाने का आप टारगेट करती हैं तो डेफ़िनेटली वो आपको 10 या 15 किलो वज़न आपके ऐड होने वाला है तो बी अवेयर अबाउट इट घी खाइए लेकिन सोच समझ कर खाइए कि आपको कितना वेट पुट ऑन करना है उतना ही घी खाइए बाकी रूटीन डाइट में आपको जितना चाहिए उतना ज़रूर खाइए उसकी मना नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा फ्लोट करता हुआ घी बिल्कुल ना खाइए फिर भी आपको लगता है कि कुछ और सवाल आपको पूछने हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकती हैं हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक नमस्कार